हरे कृष्णा राधे राधे। आज इस वीडियो में आपको आने वाली एकादशी भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की पूजा विधि बताऊंगी। भाद्रपद माह कृष्ण भक्ति में सराबोर होने का समय है। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजय एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे कमिका या अन्नदा एकादशी भी कहा जाता है। इस खास मौके पर भगवान विष्णु के उपेंद्र स्वरूप की पूजा की जाती है। इस एकादशी का व्रत रखने से भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इस एकादशी को पापनाशनी कहा जाता है, क्योंकि ये एकादशी मनुष्य के समस्त पापों का नाश करने वाली है तथा उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल देने वाली है। सभी वैष्णव या कृष्ण भक्त उनकी प्रसन्नता के लिए ये व्रत इसलिए करते हैं ताकि मृत्यु से पहले उन्हें भगवान के दर्शन हो सके। साथ ही ये भी कहा जाता है कि एकादशी का व्रत मोक्ष देने वाला है। इस दिन व्रत करने से जीवात्मा मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के धाम यानी बैकुंठ धाम में वास करती है। इस दिन व्रत रखने और पूजा करने से हमारे जीवन की कई समस्याएं दूर हो जाती हैं। जो इसका व्रत करता है वे इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक को जाता है। इस व्रत का फल अश्वमेघ यज्ञ, कठिन तपस्या, तीर्थों में दान स्नान आदि से मिलने वाले फलों से भी कहीं अधिक होता है। अब आपको इसकी पूजा विधि बताती हूँ। हर बार कहती हूँ, जो लोग व्रत नहीं करते उन्हें भी एकादशी पूजा जरूर करनी चाहिए। अजा एकादशी के नियमों का पालन दशमी तिथि से ही करेंगे। दशमी तिथि को सुबह बिना प्याज लहसुन का सात्विक भोजन खाएंगे। सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। ब्रह्मचारी व्रत का पालन करते हुए जमीन पर सोएं। अगले दिन एकादशी पर सुबह जल्दी सूर्योदय से पहले उठे। शरीर पर तिल और मिट्टी का लेप लगाकर कुशा के साथ स्नान करें। नहा धोकर साफ वस्त्र धारण करें, फिर पूजा की बढ़िया तैयारी करें। सबसे पहले पूरे घर में गंगा जल या गौमूत्र छिड़के। इससे घर की नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाती है। घर के मेन गेट पर हल्दी से स्वास्तिक या सतिया बनाएं। पूजा शुरू करने से पहले सब अपने व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूरे नियम विधान से पूजा करें। अगर आपके सेवित श्री विग्रह हैं तो उन्हें बढ़िया पंचामृत से अभिषेक करके सुंदर वस्त्र धारण करवा के श्रृंगार करें। अब भगवान विष्णु को बढ़िया फूल फल धूप दीप नवेद्य यानी मीठा प्रसाद अर्पित करें। भगवान विष्णु की प्रिय चीजों का भोग लगाएं। पहले भी बताया है, उन्हें मखाने की खीर बहुत पसंद है। एकादशी व्रत कथा पूजा करते समय जरूर सुने, उसका बहुत ही उत्तम फल होता है। साथ ही आरती करें और पूजा में हुई भूल चूक के लिए माफी मांगे। एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पूरा दिन ओम नमो वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। अगर आपका गुरु मंत्र है तो फिर गुरु मंत्र का ही जाप करें। अजा एकादशी के दिन ब्राह्मणों को दान देने का विशेष महत्व है, इसलिए हो सके तो किसी ब्राह्मण को कुछ ना कुछ दान अवश्य दें। शाम को तुलसी पूजा जरूर करें। दिन भर निराहार रहते हुए शाम को फलाहार कर सकते हैं। अगर आप निर्जल व्रत नहीं कर रहे तो फलाहार में बादाम और गुड़ जरूर लें। इससे हमें तोते की योनि से मुक्ति मिलती है। आप बादाम और गुड़ का हलवा बना सकते हैं, बर्फी बना सकते हैं। बादाम और गुड़ को आटे के साथ पीसकर मीठे गुलगुले बना सकते हैं। इन्हें भोग जरूर लगाएं और सभी लोगों में बांटें ताकि उनका भी कुछ भला हो। एकादशी व्रत में रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। द्वादशी तिथि में प्रातःकाल जल्दी स्नान करें, पूजा करें, उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दान दक्षिणा दें। अपने व्रत का पारण शुभ समय मुहूर्त में ही करें। जो समय आपको बताया जाता है उसी समय में अपने व्रत का पारण करें। व्रत पारण के बाद स्वयं भोजन करें। याद रखें, द्वादशी को बैंगन नहीं खाएं। यदि आप किसी कारण से व्रत नहीं कर सकते हो तो एकादशी वाले दिन मन में विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए पूरा दिन सात्विक तरीके से बिताएं। झूठ नहीं बोले, किसी का मन नहीं दुखाएं, साथ ही किसी की निंदा करने से भी बचें। एकादशी व्रत की कथा अगली वीडियो में बताऊंगी।
मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखिए। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।